आज हम लोग जो है ये संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है प्रधानमंत्री के विषय में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम जो है हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का पद कैसे है, क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो है, तो इस पर जो है हम लोग मिलकर के चर्चा किया जाएगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि इस चर्चा के दौरान ही जो है इस चर्चा के दौरान ही सारे चीज़ें सारे तथ्य जो है वो आपको याद हो जाए। ठीक, परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न जो है आपको इसी चर्चा के दौरान जो है सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं जो है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री यह एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पद होता है जो है, इसके विषय में हम लोग चर्चा किया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र है। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। और यह परंपरा कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। यह कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जो है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके पहले ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र था और उसी को जो है भारतीय संविधान में भी शामिल कर लिया गया। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब संसदीय लोकतंत्र में जो है दो तरह के प्रधान होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रधान और एक होता है नाम मात्र का प्रधान। ठीक, तो संसदीय लोकतंत्र में कितने प्रकार के प्रधान होते हैं जो है, तो वो है एक नाम मात्र का प्रधान और एक होता है जो है वास्तविक प्रधान। तो संसदीय लोकतंत्र में जो है नाम मात्र का जो प्रधान होता है वह भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, जो वास्तविक रूप से जो है कार्यों को करता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन में से लिया गया। और लोकतंत्र जो है संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि दो तरह के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान जो राष्ट्रपति होते हैं, और एक वास्तविक प्रधान जो है वास्तव में जो कौन प्रधान है, तो जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो है अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का संसदीय लोकतंत्रात्मक जो सिस्टम है इसका वास्तविक प्रधान कौन है, तो वो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति को तो हम लोग रबर स्टैम्प कहते हैं। सारी शक्तियाँ, सारे पावर, सारे कार्य उसी के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वह कार्य करता है आप जानते हैं किसके परामर्श से, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक, तो संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। ब्रिटेन में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रिटेन में वहाँ जो है वास्तविक प्रधान वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, और महारानी जो होती हैं वो नाम मात्र का प्रधान। जैसे वहाँ महारानी है वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वो आनुवांशिक हैं लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हम गणतंत्र हैं और ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम आते हैं अनुच्छेद, कुछ प्रमुख अनुच्छेद जिसमें 74 और 75 के विषय में देखते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 75 एक कहता है कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और 75-2 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक है, तो 75-1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और जो है 75-2 में जो प्रधानमंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। तो ये दोनों अनुच्छेद को आप लोग विशेष तौर पर याद रखिए। ठीक, अब ये बहुत ही आसान है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्त तो होता है, निर्वाचित नहीं होता। प्रधानमंत्री नियुक्त तो होता है, निर्वाचित नहीं होता। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, तो नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन तो उसका एक सांसद के रूप में होता है, जैसे संसद के चुनाव में आम जनता वोट देती है, तो निर्वाचन उसका जो है, प्रधानमंत्री जो भी बनते हैं उनका निर्वाचन एक सांसद के रूप में होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह जो है एक सांसद के रूप में होता है, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। अब उन्हीं सांसदों में से एक सांसद जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
तो भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, वह एक जो है सांसद के रूप में निर्वाचित होता है। ठीक है, अब जो है प्रधानमंत्री प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं वो किसे नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जो सॉरी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेंगे, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस बात को क्लियर स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। अब जो है प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, अब किसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, तो जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब बहुमत से तात्पर्य क्या है, तो लोकसभा में जिसको जो है 50% वोट और प्लस वन 50% सीटें और प्लस वन 50% सीटें, लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 50% सीट और प्लस एक सीट, ये बहुमत कहलाता है। और जिस पार्टी को जो है इतनी सीटें प्राप्त होती हैं उसका बहुमत माना जाता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और राष्ट्रपति उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता, जिस पार्टी का जो है बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा लोकसभा में उसी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब प्रधानमंत्री लोकसभा से होगा या राज्यसभा से, तो इसके विषय में हम लोग समझते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का सांसद हो सकता है या राज्यसभा किसी सदन का हो सकता है, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता तो होगा, लेकिन वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, या अगर वह तत्कालीन समय में वह दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर किसी सदन की, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसे नियुक्त करता है, तो उसको नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, अब जो है इसको हम समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा के होंगे या केवल राज्यसभा के या दोनों के। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, जहाँ से जीते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा से चुने गए थे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, जो है तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का जो है नेता हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी सदन का नेता हो सकता है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। क्लियर, अगर वह सांसद नहीं है किसी सदन का तो 6 माह के अंदर उसे जो है 6 माह के अंदर उसे जो है किसी सदन की, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह का उसे समय दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 वर्ष, अगर वह राज्यसभा से आता है तो कम से कम 30 वर्ष। तो अगर पूछे कि प्रधानमंत्री बनने की जो है न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष। अगर राज्यसभा से आएगा तो कम से कम 25 वर्ष चाहिए, अगर राज्यसभा से आएगा तो कम से कम 30 वर्ष चाहिए, और अगर लोकसभा से आएगा, लोकसभा से अगर आता है तो कम से कम 25 वर्ष। तो लोकसभा से चुने जाने पर कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा से चुने जाने पर कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर पूछे कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जो है प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है, अधिकतम उम्र क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी बार भी बन सकते हैं, मरते दम तक भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम जो है एज सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। उम्र की, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। साथ ही भारत का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, तो जो है अनेकों बार बन सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ गए। अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाता है, वही आप समझे हैं नियुक्त भी करता है।
ठीक है। अब प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देगा, तो त्यागपत्र जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है, तो सॉरी त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है, नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री त्यागपत्र भी किसे देता है, राष्ट्रपति को। अब हम प्रधानमंत्री का कार्यकाल समझते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल ऐसे तो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है, 5-5 साल में चुनाव होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होता है, लेकिन एक और भी है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा, जिस दिन उसका लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है वह प्रधानमंत्री पद से हट जाता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तो ऐसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, लेकिन जब तक उसे बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेगा। जिस दिन लोकसभा में उसका जो है बहुमत खत्म हो जाता है उसी दिन वो प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तो है, लेकिन साथ ही साथ वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। क्यों? क्योंकि उसे जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। तो हम लोग सब समझ गए, उसका जो है न्यूनतम वर्ष समझ गए, कार्यकाल समझ गए। अब त्यागपत्र भी हम लोग समझे, जो है त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को। अब वेतन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, तो प्रधानमंत्री को वेतन वही वेतन मिलता है जो अन्य सांसदों को मिलता है, बस अलग क्या है, उसे प्रधानमंत्री का भत्ता मिलता है, तमाम सुविधाएं उसे अलग से मिलती हैं, लेकिन जो वेतन होता है, जो अन्य सांसद वेतन पाते हैं वही वेतन भारत के प्रधानमंत्री को भी मिलता है, बस उसे भत्ता और तमाम सुविधाएं जो है वो अलग से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो वेतन भी हम लोग समझ गए। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री का कोई शक्ति का वर्णन नहीं है, परंतु आप जानते हैं कि वह वास्तविक प्रधान है और राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है। तो जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ दी गई हैं उसका इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को संविधान में जो भी शक्तियाँ दी गई हैं उसका इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग कौन करता है, तो जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही कुछ और भी कार्य है जिसे हम विशेष रूप से देख सकते हैं, जो है जैसे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्री के विभागों का बंटवारा भी कौन करता है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। और मंत्री के माध्यम से ही जो है विकास कार्य का नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही विकास कार्य जो है किए जाते हैं, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विकास कार्यों को करते हैं। अब हम आगे देखते हैं अन्य कार्यों में, नियुक्ति संबंधी सलाह जो है राष्ट्रपति को, जो भी आप राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी जो अधिकार पढ़े वो नियुक्ति संबंधी अधिकार वो किसके परामर्श से करता है, तो प्रधानमंत्री। तो जो भी नियुक्तियाँ होती हैं जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया, जो है महान्यायवादी हो गया, तमाम जो है जज जो है, तो ये सब की नियुक्ति संबंधी सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है समय समय पर जो है अपने द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों की सूचना भी कौन देता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 78 के तहत, ठीक है। लोकसभा के विघटन में, लोकसभा के विघटन के लिए सलाह कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा के विघटन के लिए सलाह कौन देता है, तो जो है प्रधानमंत्री ही देता है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, तो जो है प्रधानमंत्री करता है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करता है। लोकसभा के विघटन के संदर्भ में सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री देता है। नीति आयोग अंतर्राज्यीय जो है परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है, तो नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो है प्रधानमंत्री करता है। ये सवाल कई बार आते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है बैठक का, तो प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। तो ये बात भी आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा।
ठीक है। अब हम लोग जो है फिर से एक बार देखते हैं तो भारत में जो है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई ब्रिटेन से जो लिया गया। संसदीय लोकतंत्र में नाममात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान, नाममात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है कौन, भारत का प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और 75(1) में नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 75(2) में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। अब जो है किसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है। और जो है अगर सदस्य नहीं भी है तो वह जो है 6 माह के अंदर उसे जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी। उसके बाद जो है न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष, ठीक है। और कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कितने उम्र तक बन सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब उसके बाद जो है त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। वेतन कितना है, तो ये सांसदों के समान वेतन है, बस उसे जो है भत्ता जो है थोड़ा सा अलग जो है विशेष रूप से प्राप्त होता है या अन्य सुविधाएं उसे विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। शक्तियाँ क्या हैं, तो प्रधानमंत्री की संविधान में स्पष्ट रूप से शक्तियों का वर्णन नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और अन्य कार्यों में देखते हैं उसके जो है मंत्रिपरिषद का जो है बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है, मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य का नेतृत्व करता है। उसके बाद जो है देखते हैं जो है नियुक्ति संबंधी सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है, राष्ट्रपति को समय समय पर अपने कार्यों की सूचना भी देता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में विघटन में सरकार जो है लोकसभा में विघटन के लिए जो है राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन के लिए जो है सलाह देता है, जो है प्रस्ताव देता है राष्ट्रपति को, कौन, प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है संसद में सरकार का अगर पूछे कि प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी कौन करता है, प्रधानमंत्री। अब हम लोग जो है कुछ जो है प्रधानमंत्री, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए जो है उसके संदर्भ में देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक जो है अंग्रेज थे लॉर्ड मार्ले, उन्होंने जो है कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री को कहा, या प्रधानमंत्री को नींव का पत्थर। तो परीक्षा में अगर आए कि प्रधानमंत्री को नींव का पत्थर या कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कौन कहा था, तो जो है ये जो है लॉर्ड मार्ले ने कहा था। लॉर्ड मार्ले ने जो है कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा था, किसको, प्रधानमंत्री को, ठीक है। या नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, तो जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अब उसके बाद जो है कुछ जो है जीके टाइप प्रश्न है, इसको भी जो है परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जो है ये तो सभी किताबों में मिलता है, हमने एक जगह इसको जो है कलेक्ट कर दिया है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए। परीक्षाओं में, तमाम परीक्षाओं में जो है वनडे एग्जाम में आते रहते हैं, तो एक बार देख लीजिए। तो त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, राजीव गांधी। त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भी मोरारजी देसाई। तो त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो है व्यक्ति कौन है प्रधानमंत्री, तो वो भी मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में पहली बार त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। और जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी देसाई। तो ये तीनों बात जो है आप याद रखिएगा, और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। उसके बाद जो है बीपी सिंह और देवगौड़ा, ये जो दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जो है लोकसभा में बहुमत अब जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर सके और त्यागपत्र दिए। तो देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में जो है विश्वास मत नहीं हासिल करने पर त्यागपत्र दिए। कौन, तो बीपी सिंह और देवगौड़ा, विश्वास मत न प्राप्त करने के कारण त्यागपत्र दिए। पहली महिला प्रधानमंत्री आप सबको पता है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और
जो है पहले गैर कांग्रेसी ये पढ़ ही लिए हैं मोरारजी देसाई, सबसे कम जो है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा तो मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे कम रहा, मात्र 13 दिन। ठीक है, तो सबसे कम किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, 13 दिन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, चुनाव हुआ फिर वो जीत के आए, लेकिन एक बार में वो 13 दिन थे। ठीक है, तो सबसे कम उम्र, सबसे कम जो है दिनों तक प्रधानमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद पद के दौरान जो है भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई। पहले थे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे इंदिरा गांधी। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका पद के दौरान ही मृत्यु हुआ। कौन कौन? लाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक सवाल आता है कि जो है अभी तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को जो है भारत रत्न मिला है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, तो आपके सामने ये है। पहला नेहरू जी को जो है 1955 में, दूसरे हैं शास्त्री जी 1966 में, और इंदिरा गांधी 1971 में, देसाई जी 1991 में, साथ ही राजीव गांधी को 1991, यानी 91 मोरारजी देसाई और राजीव गांधी को साथ ही मिला था। ठीक है, उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी 2014 में इनको मिला था। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति, यानी भारत के अभी तक 6 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनका समय याद रखिएगा, नेहरू जी 55 में उनको मिला, शास्त्री जी को 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री जी को 66 में मिला, इंदिरा गांधी जी को जो है 71 में मिला, और मोरारजी देसाई को 91, राजीव गांधी को 91 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है 2014 में मिला। अब इसमें जो है 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला। पहले थे ये शास्त्री जी, और दूसरे थे जो है राजीव गांधी। ठीक है, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत मिला था, पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे जो है राजीव गांधी जी। इन दोनों लोगों को मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो भारत रत्न कितने प्रधानमंत्रियों को अभी तक मिला है? 6 प्रधानमंत्री को। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम बार किस प्रधानमंत्री को मिला है? तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी 2014 में। ठीक है, तो मरणोपरांत कितने प्रधानमंत्री हैं? तो 2, लाल बहादुर शास्त्री और जो है राजीव गांधी। तो ये हम जो है आज चर्चा किए भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फालकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।